नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ कॉस्बेट जीएम लेके बात करने वाला हूँ कि कौन सा कंपनी इसको बना रहा है और जो एनी टाइम दिखाया देता है कि सोशल नेटवर्क में ये कहा जाता है कि कॉस्बेट जीएम आप फेस में भी लगा सकते हो, इसके बारे में मैं दो चार बात आप लोग के साथ करना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बिना सब्सक्राइब कीजिए मत जाइए, और कम से कम लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर अच्छे लगे तो। तो वेलकम टू डियर टीवी, माई सेल्फ सुदीप। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कॉस्बेट जीएम। बहुत बढ़िया एक ब्रांड है और इसका जो यूजेज है बहुत ज़्यादा दिखाई देता है मार्केट में, जिस कारण से आपको कोई ना कोई मेडिकल शॉप में, दो में से एक मेडिकल शॉप में आपको ज़रूर मिल जाएगा ये। तो ये किस तरीके से यूज़ होता है, तो ये चीज़ बताने से पहले देख लेते हैं कि ये कौन सा कंपनी इसको बना रहा है। इसका जो कंपनी इसको बना रहा है उसका नाम है वॉकनेट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड बोल के, और इसका जो MRP है 21.33 पैसा इसका MRP है, 20 ग्राम का ऐसा एक छोटा सा ट्यूब में आता है। तो दोस्तों, कॉस्बेट जीएम में मेन तीन मॉलिक्यूल दिया गया है जो आपको फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्लोबेटासोल, उसके बाद जेंटामाइसिन और मिकोनाजोल, ये तीनों मॉलिक्यूल लेके ये एक बढ़िया ऑइंटमेंट बनाया गया। तो लेकिन दोस्तों, इसमें कौन सा इंग्रेडिएंट्स कितने कितने मात्रा में वो मैं बता देता हूँ। इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट दिया गया है, जो मतलब एक 20 ग्राम के पाउच में जो मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा वो है आपका क्लोबेटासोल मिल जाएगा 0.05% में, जेंटामाइसिन मिल जाएगा 0.1% में, उसके बाद मिकोनाजोल मिल जाएगा 2.0% WW में, और इसके साथ और एक इसमें मॉलिक्यूल दिया रहता है जिसका नाम है आपका क्लोरोकैरासोल जो कि है आपका 0.1% में। तो दोस्तों, इन सारे इंग्रेडिएंट्स देके ये 20 ग्राम का ये पाउच बनाया जाता है। तो लेकिन दोस्तों, जो मैंने देखा है कि बहुत सारा सोशल नेटवर्क में आपका कॉस्बेट जीएम के ऊपर बहुत सारा रिव्यू है जिसमें कहा जाता है कि फेस में लगाने से आपका फेस गोरा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये प्रैक्टिकली हो सकता है, लेकिन यूज़ ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि फेस में कोई भी क्रीम या फिर कोई भी ऑइंटमेंट आप डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको कोई भी स्किन का प्रॉब्लम हो, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है आपका फेस में, आप चाहते हो कॉस्बेट जीएम लगाए, तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉस्बेट जीएम का जो ये डब्बा है इसमें कहीं पे भी लिखा नहीं है कि आप इसे फेस में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर गोरा होने के लिए अगर आप लोग इसे यूज़ कर रहे हो तो मेरा ख्याल से दोस्तों 10 बार सोच लीजिए, उसी के बाद ही आप इसे यूज़ कीजिए, क्योंकि फेस में कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी हो या फिर आपका ब्यूटी पार्लर का कोई भी नया प्रोडक्ट हो। तो उसके पहले आपको चेक कर लेना चाहिए कि आपको फेस ये प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए दो नॉर्मल आपका एग्जामिनेशन होता है, जैसे कि आप अपना कान के पीछे लगाइए या फिर आप अपना थाई पे लगा के देखिए कि आपको कोई रिएक्शन हो रहा है या नहीं। ये लगाने के बाद जहाँ पे आप कान के पीछे लगा रहे हो या फिर आप अपने पैरों के थाई में लगा रहे हो, तो थाई में लगाने के बाद अगर कुछ खुजली, जलन या फिर लाल हो जा रहा है तो दोस्तों आप इसे फेस पे यूज़ ना करें। ठीक है, आपको रिएक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, ये फेस में यूज़ करने वाला ऑइंटमेंट नहीं है, तो आप इसे फेस में यूज़ ना करें। तो दोस्तों, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स और जो क्लोबेटासोल, मिकोनाजोल और जेंटामाइसिन दिया गया, ये होता है आपका फंगल इन्फेक्शन और जो बॉडी में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। फंगल इन्फेक्शन जो दांत, खाज, खुजली वगैरह, ठीक है, और नखून के बीच में जो पानी में काम करने के टाइम में क्या होता है महिलाओं में या फिर जेंट्स में क्या होता है, पानी में ज़्यादातर काम करने के बाद दो उंगलियों के बीच में घाव बन जाता है या फिर नखून के साइड में घाव बन जाता है, इन सारी बीमारियों में आप इसे यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शेड्यूल एस ड्रग नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे यूज़ करने से पहले दो बार सोच लीजिए या फिर कंसल्ट कर लीजिए जहाँ से आप ले रहे हो या फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि ये जो क्लोबेटासोल है ये आपका स्टेरॉयड में आता है, तो स्टेरॉयड यानी कि जो धक्का मार के कोई भी बीमारी को भगा देता है। ठीक है, लेकिन इसका कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। सो फ्रेंड्स, आप जब भी इसको लेने जा रहे हो तो एक बार कंसल्ट कर लीजिए केमिस्ट शॉप से, आपके हेल्थ के लिए या फिर आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है उनको ये दिखा दिए कि आपको ये घाव है या फिर ये खुजली है, क्या आप उसे यूज़ कर सकते हो या नहीं, तो केमिस्ट शॉप आपको तुरंत देख के या फिर वो आपको परख के आपको बता देगा कि ये आप यूज़ कर सकते हो या नहीं। ठीक है, मेरा वीडियो देख के आप चुपचाप दुकान में जाके खरीद के ले के आके घर में यूज़ कर रहे हो तो दोस्तों ये गलत होगा। ठीक है, तो ऐसे ना करें।
तो ये छोटा बच्चा जो है 2 साल के नीचे उनको यूज़ ना करे, जो बड़ा बुजुर्ग है या फिर जो टीनेज वगैरह या फिर जो आम इंसान या फिर महिला है उनको अगर कोई भी फंगल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जैसे आपका घाव हो जाना, घाव से पिक निकलना, ठीक है, घाव नहीं सूख रहा है, इस सिचुएशन में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये जेंटामाइसिन जो है घाव को सूखने के लिए और जो बैक्टीरिया पनपता है उसको मारने के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है, बेस्ट आप आपका इंग्रेडिएंट्स भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो फंगल इन्फेक्शन आपका स्किन में किसी भी तरीके का, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर किसी भी तरीके का आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे घाव वगैरह हो गया, आपको जल जाता है जल जाने के बाद या फिर आपका बर्न होने जाने के बाद जो कुछ दिन बाद घाव हो जाता है, इस तरीके का बैक्टीरिया को मारने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों, लेकिन आप इसे यूज़ करने के बाद अगर किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, जलन हो रहा है जो मैंने आपको पहले बताया, तो आप इसे तुरंत बंद करके दूसरा ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आज का टॉपिक अच्छा लगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग डीआर टीवी। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। हैव ए नाइस डे।